हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सनी आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सनी 147 क्लास में। दोस्तों आपको पता ही है कि अभी नोबेल पुरस्कार 2021 की घोषणा हो चुकी है। एक करंट अफेयर्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट और ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। मैंने सभी क्वेश्चनों को काफ़ी अच्छी तरह से इस वीडियो में समझा दिया है, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास की स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम आपको बता दूँ कि नोबेल पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 ईस्वी में शुरू किया गया था। यह शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये दे सकते हैं, नोबेल पुरस्कार है। चलिए क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, 2021 में भौतिक विज्ञान फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया? तो मैं बता दूं कि भौतिक विज्ञान फिजिक्स के क्षेत्र में तीन वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहले नंबर पे हैं स्यूक्रो मनाबे और दूसरे नंबर पे हैं क्लाउस हैसलमैन, देख सकते हैं क्लाउस हैसलमैन को, और तीसरे नंबर पे हैं जर्जिया पारिसी, देख सकते हैं जर्जिया पारिसी को। चलिए इनको बारे में समझते हैं। स्यूक्रो मनाबे अमेरिका देश से हैं, आप सभी को बात ध्यान में रखना, और क्लाउस हैसलमैन जर्मनी से हैं, आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। इनको क्यों पुरस्कार दिया गया? इनको पृथ्वी जलवायु के भौतिक मॉडलिंग परिवर्तन की मात्रा करने और ग्लोबल वार्मिंग भविष्यवाणी को सम्मानित करने के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट को देख लेते हैं। नेक्स्ट है जर्जिया पारिसी। जर्जिया पारिसी इटली से हैं। इनको परमाणु ग्रहों के भौतिक विकास और उतार चढ़ाव के परस्पर क्रिया की खोज के लिए सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया? तो मैं बता दूं कि दो वैज्ञानिक को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहले हैं बेंजामिन लिस्ट, देख सकते हैं बेंजामिन लिस्ट को, और दूसरे नंबर पे हैं डेविड मैकमिलन। इनके बारे में आइए समझ लेते हैं, इन्हें क्यों पुरस्कार दिया गया। बेंजामिन लिस्ट देख सकते हैं, बेंजामिन लिस्ट जर्मनी से हैं, और डेविड मैकमिलन देख सकते हैं स्कॉटलैंड से हैं। इनको यह पुरस्कार अणु निर्माण का सरल और नया तरीका खोजने के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में मेडिसिन के क्षेत्र में पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया? तो मेडिसिन के क्षेत्र में दो वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया। अर्देम पटाउटियन को मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और दूसरे नंबर पे डेविड जूलियस को सम्मानित किया गया। आइए इनके बारे में समझते हैं। इनको अर्देम पटाउटियन या डेविड जूलियस अमेरिका से हैं। ये दोनों देख सकते हैं, ये दोनों डेविड जूलियस और अर्देम पटाउटियन अमेरिका देश से हैं, आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। इनको यह पुरस्कार तापमान और स्पर्श के इस रिस्पेक्ट की खोज के लिए दिया गया, नोबेल पुरस्कार, आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में शांति प्लेस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपका सही आंसर मैं बता दूं कि शांति के नोबेल पुरस्कार के क्षेत्र में दो वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया। पहले नंबर पे हैं मारिया रेसा और दूसरे नंबर पे हैं दिमित्री मूर्तो, देख सकते हैं दिमित्री मूर्तो को और मारिया रेसा को। चलिए आइए इनको समझ लेते हैं, इनको क्यों पुरस्कार दिया गया। मारिया रेसा देख सकते हैं फिलीपींस से हैं, मारिया रेसा, और दिमित्री मूरा तो रूस से हैं, देख सकते हैं दिमित्री मूरा तो रूस से हैं, आप सभी को बात ध्यान में रखना है। इनको यह पुरस्कार अभिव्यक्ति के रक्षा के लिए दिया गया है, क्योंकि बोलने की आज़ादी और लोकतंत्र और अस्थाई शांति की पहली शर्त की थी इन्होंने, इन्हें इसीलिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में साहित्य लेक्चरर के
क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया? तो सही आंसर मैं बता दूं, अब्दुल रजाक गुमराह को साहित्य लेक्चरल के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देख सकते हैं अब्दुल रजाक गुमराह को, और यह तंजानिया से हैं। देख सकते हैं अब्दुल रजाक गुमराह, यह तंजानिया से हैं। आप सभी को बात ध्यान में रखना है। इनको उपनिवेशवाद के प्रभाव, संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच खाई शरणार्थियों के करुणामय के चित्र को लेकर सम्मानित किया गया नोबेल पुरस्कार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कौन सी संस्था नोबेल पुरस्कार को प्रदान करती है? तो रॉयल स्वीड एकेडमी ऑफ साइंसेज स्वीडन संस्था नोबेल पुरस्कार को प्रदान करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार हर साल कब मनाया जाता है, कब दिया जाता है? आप सभी को बात ध्यान में रखना है। 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। इस पुरस्कार की घोषणा प्रतिवर्ष अक्टूबर में की जाती है और 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। आप सभी को बात ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चिकित्सा, भौतिक और रसायन, शांति, अर्थशास्त्र और साहित्य क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो नमस्कार साथियों, जय हिंद, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।